विद्यार्थियों स्वागत है आप सबका। हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, अब व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले व्यंजन संधि में ये ध्यान दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण पढ़ चुके हैं, है ना। सघोष वर्ण भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अघोष वर्ण जो वर्गों का प्रथम वर्ण होता है और द्वितीय वर्ण होता है, वर्गों का प्रथम और द्वितीय ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और ये तालव्य सा, मूर्धा सा और दंती सा ये भी अघोष होते हैं। और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम और या, रा, ला, वा और कौन सा हा, है ना, ये सघोष वर्ण होते हैं। तो देखिए, अघोष वर्णों की संख्या हो जाती है 13, क्योंकि वर्गों का प्रथम और द्वितीय तो 10 तो ये हो जाएंगे और 3 ये 13 हो जाएंगे। और उसी तरह सघोष वर्ण वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तो 15 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, या, रा, ला, वा और हा, 5 ये 20 हो गए। और 11 स्वर कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। और 13 इधर अघोष थे तो ये मिलकर 44, और मूल वर्ण जो होते हैं वो 44 होते हैं। तो व्यंजन संधि में हम सबसे पहले देखेंगे कि सघोष वर्णों का जब योग होगा तो संधि में क्या विकार होता है। तो इसके लिए नियम एक देखिए कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी सघोष का योग हो, है ना, किसी सघोष का योग हो, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि वर्गों का पंचम वर्ण छोड़कर, वर्गों का जो पांचवा वर्ण है उसको छोड़कर बाकी सघोष कोई भी वर्ण हो सकता है ना, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, है ना। तो ये पहला नियम याद रखना है कि इधर वर्गों का प्रथम वर्ण हो और इधर सघोष का योग हो, लेकिन पांचवें वर्ण को छोड़कर, वर्गों का जो प्रथम वर्ण है उसको छोड़कर। तो परिवर्तन जो होगा, जो प्रथम वर्ण है ना, जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इधर देखो वर्गों का प्रथम वर्ण रहेगा, है ना, और प्लस सघोष, प्लस योग किससे होगा, सघोष से होगा। और सघोष जान ही रहे हैं कि वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, रा, ला, वा और हा ये सघोष होते हैं, लेकिन यहाँ पांचवे को छोड़कर बताया जा रहा है, अर्थात इधर तो वर्गों का प्रथम वर्ण हो और इधर चाहे वर्गों का तीसरा हो, चाहे चौथा वर्ण आ जाए, या, रा, ला, वा, हा आ जाए, या सभी स्वर में से कोई भी आ जाए, तो जो परिवर्तन होगा, जो प्रथम वर्ण होगा वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इधर एक की संख्या से मतलब कि वर्गों का प्रथम वर्ण, और इधर तीसरा, चौथा, या, रा, ला, वा, हा और सभी स्वर, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, इधर सभी स्वर भी हो जाएगा। तो परिवर्तन जो प्रथम वर्ण होगा वो किस में होगा, तीसरे में होगा, वर्गों का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे शब्द दिया है दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, तो ये वर्गों का प्रथम वर्ण है और ये वर्गों का कौन सा वर्ण है, का, खा, गा, तीसरा वर्ण है ना, सघोष है, तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे, तो का ही, का के वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा, गा हो जाएगा, तो ये शब्द हो जाएगा दिग्गज, है ना, दिग्गज हो जाएगा। उसी प्रकार सतवाणी, सतवाणी अब ये प्रथम वर्ण है ना, और ये वा क्या है, सघोष है,
तो ये ता किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में, ता था दा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा सदवाणी, है ना। उसके बाद देखो अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, अब ये वर्गों का प्रथम वर्ण है चा, है ना, और इधर सघोष में आपका आ गया, तो चा अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा चा छा जा, तो ये हो जाएगा अजंत, अजंत हो जाएगा। उसके बाद देखो सट प्लस दर्शन, है ना, सट प्लस दर्शन, तो इधर दा आया हुआ है दा, ता था दा, तो ये वर्गों का तीसरा है, है ना, दा अर्थात सघोष है, और ये वर्गों का प्रथम वर्ण है, तो टा अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो टा का तीसरा हो जाएगा टा ठा डा, है ना, तो सट प्लस दर्शन का क्या हो जाएगा, सड दर्शन हो जाएगा, है ना। दिक प्लस भ्रम, का तीसरा गा हो जाएगा, दिग्भ्रम हो जाएगा। वाक प्लस जाल, है ना, तो का जो है वो गा में बदलेगा, तो हो जाएगा वाग जाल। उसी प्रकार अप प्लस ईंधन, अप प्लस ईंधन, है ना, तो क्या हो जाएगा, अविंधन हो जाएगा, अविंधन हो जाएगा। यहाँ देखिए कि देखो फिर से देख लो कि दिक प्लस भ्रम क्या हो जाएगा, दिग्भ्रम हो जाएगा। वाक प्लस जाल क्या हो जाएगा, वाग जाल हो जाएगा। अप प्लस ईंधन, है ना, तो अविंधन हो जाएगा, क्योंकि पा फा बा इधर हुआ, बा हो गया, पा जो है बा में बदला, और हलंत ही रहेगा, है ना, हलंत देखिए सब में है, तो जो तीसरा बदलेगा वो भी हलंत रहेगा। तो फिर ई है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, अविंधन हो जाएगा, ठीक। उसके आगे और उदाहरण देखिए कि दिया गया है, देखो तात प्लस ये तत् प्लस होगा, तत् तत् प्लस रूप, है ना, तत् प्लस रूप, तो ता जो है वो तीसरे में बदलेगा, तो दा हो जाएगा, और दा फिर आगे रूप, है ना, तो रा ये पदेन रस्वर सहित, आगे फिर ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा तद्रूप हो जाएगा। उसके बाद देखो जगत प्लस आनंद, ता किस में बदलेगा, दा में, तो ये हो जाएगा जगदानंद हो जाएगा। वाक प्लस ईस, का बदलेगा गा में, तो ये हो जाएगा वागीस, है ना, का गा हुआ, फिर आगे दीर्घ ई, तो ये क्या बन जाएगा, वागीस बन जाएगा। उसके बाद देखो रिक प्लस वेद, रिक प्लस वेद, तो का किस में बदलेगा, गा में, तो ये हो जाएगा ऋग वेद। फिर है उत प्लस घाटन, है ना, उत प्लस घाटन, तो उद्घाटन हो जाएगा, है ना, तादा में बदल जाएगा। सत प्लस धर्म, ता किस में बदलेगा, तीसरे में, दा में बदलेगा, सद्धर्म हो जाएगा। जगत प्लस अम्बा, ता जाके दा में बदलेगा, तो क्या होगा, जगदम्बा हो जाएगा। उसके बाद जगत प्लस ईस, ता जाके किस में बदलेगा, दा में, तो हो जाएगा जगदीश। और उत प्लस वेग, है ना, ता बदलेगा दा में, तो उद्वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्वेग हो जाएगा। और उदाहरण दिया गया है, देखते हैं, जैसे देखो जगत प्लस गुरु, ता जाके दा में बदलेगा, क्या होगा, जगत गुरु होगा। जगत प्लस आधार, जगदाधार हो जाएगा। अप प्लस जा, पा जाके तीसरे में बदलेगा, तो क्या होगा, पा फा बा, तो ये हो जाएगा अब्ज। फिर है भगवत प्लस भजन, ता जाके दा में बदलेगा, भगवत भजन हो जाएगा, है ना। भगवत प्लस गीता, ता जाके दा में बदलेगा, भगवत गीता हो जाएगा। और उसके बाद भगवत भक्ति, ता दा में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, भगवत भक्ति हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए कि शब्द दिया है,
सत प्लस भावना है ना, तो ता किस में बदलेगा, द में, सद्भावना हो जाएगा। उसके बाद सत प्लस आनंद क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा, तादा में बदलेगा है ना, अब आगे दीर्घ आ है तो सदानंद हो जाएगा। उसके बाद सत प्लस वंश बराबर क्या होगा, ताजा के दा में बदलेगा, सदवंश हो जाएगा। फिर सत प्लस आचार सदाचार हो जाएगा, ताजा के दा में बदल गया है, आगे दीर्घ आ है। अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा है ना, चा छा जा, जाके चा जा में बदलेगा, चा अपने ही वर्ग के तीसरे में तो जा में परिवर्तित हो जाएगा। फिर है अप प्लस दा है ना, अप प्लस दा तो पा किस में बदलेगा, बा में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में, अब्द, अब्द का अर्थ बादल होता है। फिर है अप प्लस, यहाँ हलंत रहेगा, अप प्लस जा क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा है ना, जो पा है वो अपने तीसरे बा में बदलेगा। अब्ज का अर्थ कमल, जल में जन्म लेने वाला कमल। फिर सत प्लस न्यासी है ना, सत प्लस न्यासी, ये तो वर्गों का पंचमा अक्षर है, ये इसके आगे के नियम का उदाहरण है, इसको आगे भी देखते हैं। ये इतना जो आप देखें, ये नियम एक था कि यदि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद है ना किसी सघोष का योग होता है तो, किसी सघोष का योग होता है तो, और सघोष में जो पंचम वर्ण है उसको छोड़कर, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा है ना। तो नियम एक याद रखेंगे कि वर्गों का प्रथम वर्ण हो और इधर सघोष का योग हो, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। और साथ ही साथ अघोष और सघोष भी ध्यान में रखेंगे कि देखो अघोष वर्ण आपके वर्गों का प्रथम और द्वितीय और तीनों सा, ये अघोष हैं, और सघोष आपके कौन कौन से हैं, वर्गों का तृतीय चतुर्थ और पंचम, या रा ला वा, ये क्या है, और सभी स्वर ये सघोष हैं। लेकिन यहाँ नियम में आप देख रहे हैं जो प्रथम नियम है कि इधर वर्गों का प्रथम वर्ण होगा और इधर योग किससे होगा, योग किससे होगा, तीसरे से चौथे से होगा, पांचवे से नहीं होगा, और या रा ला वा हा से भी होगा, और किससे होगा, सभी स्वर, सभी स्वर आएंगे। तो जो प्रथम वर्ण है, ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तृतीय वर्ण में बदलेगा है ना। तो ये व्यंजन संधि का हम लोग एक नियम देख लिए, अब इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।